गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो व्हिच आई एम गोइंग टू बी लाइक शूटिंग फ्रॉम टुडे। एंड हैप्पी न्यू ईयर, लाइक 2022 हैज बीन स्टार्टेड एंड आई ऑलमोस्ट वेस्टेड ऑल द 10 डेज इन जनवरी ऑफ दिस ईयर। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर व्हाट आई डू इन अ डे, लाइक इन रेगुलर बेसिस व्हाट आई डू मोस्टली फॉर माय स्किन केयर, फॉर माय like what I eat in a day. Like I just always wanted to do this segment, like I want someone to do this for me, but there is no one to taking this interview of mine, so we are doing this segment with myself, one and only Kajal Singh. Okay, so in this video I'm gonna share my each and every ritual from morning to night, what I do, what I eat, what I have in my skincare, what I do like usually on phones or something. So yes, stay tuned. ओके, सो मॉर्निंग में उठने के बाद यूजुअली आई हैव वन ग्लास ऑफ वार्म वाटर, बट लाइक 15 और 20 डेज से आई स्टार्टेड टेकिंग जिंजर वार्म वाटर, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, आपका जो बैली फैट होता है वो डिक्रीज होता है, और सो बहुत सारे फायदे हैं जिंजर वाटर के। सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट नाउ। सेफ ये भी यूज कर सकते हैं साथ में, यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस टू देखेगा। When it started boiling, after 2 minutes, आप स्टोव को बंद कर दें और इसको स्ट्रेन करके अपने कप में आप ले लें पीने के लिए। ओके, लेट्स जस्ट स्ट्रेन इट। गिरना मत प्लीज, कैमरे के चक्कर में कहीं गिर गया ना। ओके 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 ओके, एंड इट्स कंप्लीट। और वन मोर थिंग यू कैन डू ऑल्सो, लाइक आपने जो ये अदरक बचा हुआ है ना, इस जिंजर को आप आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप इस जिंजर को दोबारा नहीं पी सकते, आप इस जिंजर को दोबारा गर्म करके यू कैन हैव इट नॉर्मली। After taking the first drink of my day, first water drink of my day, I sit in the balcony, थोड़ा बहुत धूप लेने के लिए। अभी बहुत दिनों से यहाँ पर धूप नहीं थी, अभी आज अचानक से इतनी धूप आई है एंड मैं लेट तो उठती हूँ 9-10 बजे। सो या आफ्टर फिनिशिंग अप माई ड्रिंक, we are going to brush my teeth, not we, I am going to brush my teeth now, and उसके बाद स्किन के कुछ कर नहीं सकते because I have to do little much of yoga or exercise, so let me just do the brushes and all. ओके, सो आई हैड जस्ट वॉश माई फेस विद नॉर्मल प्लेन वाटर, थोड़ा सा फेस वॉश यूज किया, ज्यादा नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है अभी, तो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी कॉस्मेटिक या कोई भी क्रीम या नॉर्मल क्रीम भी मैं यूज नहीं करने वाली। आई जस्ट अप्लाई ऑन माई फेस गुलाबरी का गुलाब जल, जिससे क्या होगा व्हेन आई डू एक्सरसाइज
थोड़ी बहुत जो स्वेटिंग होती है इट विल गोइंग टू ओपन माई पोर्स, तो पोर्स ओपन होंगे तो उसके अंदर कुछ गंदगी नहीं जानी चाहिए, इसलिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस नॉर्मल थिंग। ओके आफ्टर यूजिंग दिस लेट्स गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज योगा। एक्चुअली मैं योगा ही करने वाली हूँ इन 10 दिनों में जो अभी ये 10 डेज निकले हैं। आई डिडंट डू लाइक समथिंग, मैंने कुछ एक्सट्रीम तो किया नहीं है, बट येस आई स्टार्टेड डूइंग लाइक 10 मिनट्स 20 मिनट्स का योगा धीरे धीरे। सो आई थिंक दोबारा पिकअप करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए आई थिंक योगा इज द बेस्ट थिंग। सो लेट्स डू इट। Hey guys, so I have completed my shower. Welcome back again. Okay, shower complete के बाद just comb my hair a little bit, क्योंकि मुझे बाल कंघी करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टूटते हैं, so I feel so bad for that. Okay, so now it's time to skin care, which is my best part, like in each and everything. Whenever I go somewhere, whenever I just like leave my house, I just every time hold my things together. Okay, so skin care पे आते हैं. So recently I having some acne problem थोड़े टाइम से, सो आई जस्ट थॉट वाई डोंट जस्ट स्विच टू अनदर स्किन केयर। सो प्रीवियसली आई वॉज यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, लाइक दिस वॉज द फेस वॉश फ्रॉम लॉरियल पैरिस एंड दिस वॉज अ क्रीम फ्रॉम इट्सेल्फ लॉरियल पैरिस। तो मैंने अभी ये यूज़ करना बंद किया हुआ है क्रीम को, एंड आई एम यूजिंग ओनली द फेस वॉश, नॉट इवन द सीरम ऑफ लॉरियल पैरिस स्टिल। इंस्टेंट ऑफ यूजिंग ऑल दीज टू प्रोडक्ट्स, ये तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ एज अ फेस वॉश, बहुत कम क्वान्टिटी में, बिकॉज अभी कहीं बाहर जाना होता नहीं है, सो इट जस्ट नो नीडेड कि हम बहुत सारा यूज़ करें अपने फेस पे, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड क्रीम की बात करें तो आई एम नॉट यूजिंग दिस क्रीम सिंस 5-6 डेज से, हाँ मतलब जनवरी स्टार्ट हुआ था, न्यू ईयर से आई एम नॉट यूजिंग दिस क्रीम, एंड इसका सीरम भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई इंस्टेंट ऑफ यूजिंग ऑल दीज थिंग आई स्विच टू दिस। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल थिंग, हम सबको पता है, दिस इज़ पतंजलि एलोवेरा जेल। सो वॉट आई फाइंड समथिंग लाइक अ गुड थिंग, आई ऑलवेज लव ऑफ सीरम्स, मुझे सीरम्स का बहुत 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 ज़्यादा शौक है, मतलब आई ट्राइड लाइक एवरी एंड ईच सीरम, मैंने सारे सीरम यूज़ करे हुए हैं अभी तक अच्छे से, ऑयल के लिए कौन सा अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए, एंड ड्राई स्किन के लिए कौन सा अच्छा होता है, यूज़ ऑल। ओके सो आई ट्राइड एवरी सीरम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टाइम तक मैंने यूज़ कर करके देखे, गार्नियर का भी, मामा अर्थ का भी, एंड लॉरियल का भी, एंड या दो तीन और है, बट आई यूज़ एवरी इन अ प्रॉपर मैनर, जिससे मुझे पता चले वो सीरियसली रिजल्ट्स देते हैं या नहीं, तो रिजल्ट्स का तो पता नहीं, बट ठीक है मेरी स्किन को सूट कर जाते हैं। तो अभी जिस स्किन केयर को मैं काफ़ी फ्रॉम 1 वीक से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव सम एक्ने प्रॉब्लम यहाँ पे एंड ऑन माय चीक ऑफ द लेफ्ट साइड, तो आई स्विच टू दिस। मैं क्या करती हूँ, आई यूज़ दिस पतंजलि एंड आई मिक्स मामा टी ट्री फेस सीरम। ओके इन दोनों का आई यूज़ देम टुगेदर एंड अप्लाई इट ऑन माई फेस, आई जस्ट लेट यू नो। ओके आई टेक दिस मच, जितना भी आपको लगता है क्वांटिटी के हिसाब से यू कैन टेक इट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ यूजिंग अ टी ट्री ऑयल, इट्स ऑलरेडी मेंशनड इन द इंग्रेडिएंट्स और डायरेक्शंस टू यूज, दे हैव सेड इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज इट, अप्लाई फॉर 3-5 drops ऑफ सीरम ऑन द इंटायर फेस एंड नेक ट्वाइस अ डे। आई डिडंट यूज ट्वाइस अ डे, मैं अभी यूज कर रही हूँ रात को, आई जस्ट अप्लाई ओनली दिस एलोवेरा जेल।
The very important note, you don't have to massage it on your face, just apply it normal, two fingers से, one finger से आप इसको normal apply कर दीजिए, इस पे massage बिल्कुल भी नहीं करना है. And what I feel, कि मेरे acne seriously बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं. After applying this, I apply my lip balm, which this lip balm is from Biotique. Yeah, this is from Biotique Advanced Ayurveda Biofreed Whitening Lip Balm. I think ये whitening whitening का तो मुझे पता नहीं, but it's from coconut. Yeah, it's from fruit extracts. So I think ये it's look like a cherry. As I completed my skincare, you can see the glow. Okay, these are the acne which I'm having recently problems, but don't worry, we'll figure out something. And yes, it's they are clearing very properly. So अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट के बाद कुछ रील्स बनाने का आज मन है, सो दैट जस्ट डू दैट. तो एज वी ऑल नो, मॉर्निंग वाला जो हमारा फर्स्ट मील होता है, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ होल डे, जिसमें हमें बहुत हेल्दी प्रोटीन वाली चीज़ें एंड विटामिन मिनरल्स जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब मिलनी चाहिए. वो सब एक चीज़ में तो नहीं हो सकती, बट येस, इन माई ब्रेकफास्ट टुडे आई हैव दिस दम आलू की सब्जी एंड दिस बाजरे की रोटी. एंड वी ऑल नो बाजरे की रोटी इज मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली गुड फॉर आर बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. सो येस, टुडे आई हैविंग दिस. ओके, सो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफस्ट, फर्स्ट मील ऑफ द डे, उसके बाद आई थोड़ी देर बाद आई हैड माई लंच. अभी बज रहे हैं, इट्स 3 o'clock एंड आई हैविंग माई टी, विच इज़ लव ऑफ माई लाइफ. ओके, आई एम हैविंग दिस टी एंड रीडिंग दिस टू बुक्स, दीज आर सो गुड. सो हे, आई एम बैक. सो आफ्टर हैविंग द टी एट 3 PM, उसके बाद आई टुक अ नैप, 3-4 घंटे का नैप लिया था मैंने. उसके बाद आई वेक अप एट 6 एंड एट 6:30 आई डिड माई स्मॉल वर्कआउट लाइक 45 मिनट्स के लिए. उसके बाद आई जस्ट हैड वॉश माई फेस एंड नाउ इट्स टाइम टू फेस पैक ऑफ द डे. लाइक इन 3 डेज आई टुक अ फेस फेस मास्क ऑन माई फेस. इट्स एक्चुअली मेंट फ्रॉम मुल्तानी मिट्टी. आई डिड मिक्स द मुल्तानी मिट्टी एंड रोज़ वाटर इन इट. रोज़ वाटर थोड़ा हाइड्रेशन अपनी स्किन पे रखने के लिए, एंड सेकेंडली मुल्तानी मिट्टी इज़ फॉर द ऑयली स्किन पर्सन, ड्राई स्किन के लिए नहीं, ऑयली स्किन के लिए. जस्ट कीप इट ओनली 10 मिनट्स. अगर आप नींद में एक बार इसको लगा रहे हैं कोई भी, तो आप इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखिए. उसके बाद वॉश इट ऑफ विथ कोल्ड वाटर, तो ज़्यादा बेस्ट है अगर आप कोल्ड वाटर से धोते हो. उसके बाद नॉर्मल अपना स्किन केयर कर लो. सो आई हैड जस्ट वॉश माई फेस विथ कोल्ड वाटर एंड आफ्टर दैट अप्लाई ऑन माई फेस एलोवेरा जेल एंड सीरम ऑफ मामा अर्थ. हाई, वेलकम बैक. ओके, सो आफ्टर डूइंग ए स्मॉल बिट ऑफ स्किन केयर, नाइट स्किन केयर ब्रीड बनाने के बाद, नाउ इट्स टाइम टू हैविंग ए डिलीशियस डिनर गाइस. रात का खाना सब आई थिंक सबसे टेस्टी फूड लगता है. ऐसा लगता है कि रात को बहुत सारा खाओ और सो जाओ, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, हम सबको पता है. बट स्टिल मैं खा लेती हूँ जब मन होता है जितना भी, बट आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो आई जस्ट हैव माई डिनर थोड़ी देर बाद, 9 बजे तक मैं यूजुअली डिनर कर लेती हूँ. उसके बाद आई विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल. फ्यू डेज बैक जब ये न्यू ईयर शुरू हुआ था, सो मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था दैट आई विल राइट ईच एंड एवरी थिंग
कि मुझे कल क्या करना है या फिर मुझे क्या करना चाहिए ऐसा जो जिससे मेरा दिन थोड़ा इनोवेटिव रहे. सो आई राइट ईच एंड एवरीथिंग इन लाइक नाइट बेसिस पे मैं डेली लिखती हूँ. वो हो नहीं पाता है मॉर्निंग में उठ के, वो अलग बात है, बट आई ऑलवेज राइट थिंग्स कि मुझे कल क्या करना है. ओके सो दैट्स इट इन टुडेज व्लॉग. आई होप यू एंजॉय दिस स्मॉल स्वीट्स ऑफ व्लॉग एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू गिव इट अ थम्स अप टू द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. एंड इफ यू वॉन्ट टू गिव सम सजेशंस एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक गिव लाइक कुछ भी आपको रिकमेंड करना है, यू कैन डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर माई वीडियो. शेयर द चैनल एवरी वन. ओके बाय बाय. शावर योर लव.